जोरदार होशियार समंदरी तूफान बेपुर जॉय चंद घंटों में केटी बंदर से टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर है। रात को किसी भी वक्त पाकिस्तानी साहिली पट्टी से टकरा जाएगा। कराची और इर्द गिर्द इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में DGPDMA सलमान शाह ने बताया कि ठट्ठा, सजावल, बदीन और उमरकोट में तूफानी बारिशें होंगी। हब, खुजदार और लसबेला में भी बारिश का इम्कान है। बेपुर जॉय की साहिली इलाकों में एंट्री का आगाज। समुद्री तूफान के पाकिस्तान और भारतीय बॉर्डर के दरमियान टकराने का अमल शुरू हो गया। समुद्री तूफान के टकराने का अमल आज आधी रात को मुकम्मल होगा। मौसमियात के मुताबिक तूफान का मरकज इस वक्त केटी बंदर से 150 किलोमीटर के फासले पर है। केटी बंदर पर लहरों की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक पहुंच सकती है। बेपुर जॉय का मरकजी हिस्सा ठट्टा से 200 और कराची से 245 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के गिर्द 20-25 फीट लहरें बुलंद हो रही है। तूफान के गिर्द 100-120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा है। DGPDMA सलमान शाह ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि कराची समेत मुल्हका इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिश होंगी। तूफान के बायस ठट्टा, सजावल, बदीन और उमरकोट में तूफानी बारिशें होंगी। हब, खुजदार और लसबेला में भी बारिशों का इम्कान है। कराची में तो शायद हल्की बारिशों का सिलसिला है, लेकिन ये जो हमारा जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, बदीन खुसूसी तौर पे और उमरकोट और थरपाकर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश की इंटेंसिटी काफी तेज है। DGNDMA का मजीद कहना है, आवाम मौसमियाती हालात से आगाह रहे और साहिल पर जाने से गुरेज करें।